देखो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, टू कैंडल्स ऑफ सेम हाइट, ये आ भी सकता है कभी या नहीं भी आ सकता है, पर अगर आएगा तो सॉल्व कर लेना ना। सिंपल बता रहा हूँ, शॉर्ट बता दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट रहने तो। कॉन्सेप्ट में क्या होगा ना, पहले हम जैसे इसमें टाइम दिया है, टी दिए 3 4 ये दिया है, फिर उसे हम लेंगे टाइम, अगर टी होता है 1 घंटे में कितना करता, फिर उसके बिहाफ में हम सेकेंड वाले को, अगर उसका टाइम T2 होता फिर T 1 घंटे में कितना करता। तो थोड़ा देखो कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, पर जहाँ पर शॉर्ट डायरेक्ट लग रहा है इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भी नहीं है, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ कि जहाँ पर आए ना कि हमसे इन इन क्वेश्चनों में पूछा ये जाता है ना कि उसकी हाइट कितने टाइम बाद इतनी होगी, तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला बनता है। क्या बनता है, कुछ बनता तो था, कुछ बनता है A1 - A2 T1 × T2 अपॉन A T1 - A2 T2। अभी यहाँ पर है क्या क्या चीज, ठीक है ना, एक बार इसे देखते हैं। रुको, देखो T1 जो है वो है टाइम, जो पहली वाली का टाइम ये ना, ये हो गया T1, ठीक है, इसे ले लेते हैं 4 आवर्स। T2 क्या है, T2 अब देखो सेकेंड वाले का टाइम आएगा, ये क्या है 3 आवर। A1 और A2 क्या है, देखो क्वेश्चन में टाइम दिया है, अब बचा क्या हमारे पास, 2:1 बचा ना, तो वही कर दो, 2:1 कर दिया, लगाएगा फॉर्मूले में A1 - A2 2 - 1 एक ही बन गया, T1 × T2 4 × 3 बन गया, अपॉन में A T1, ए कितना है, A1 कर लो, हाँ ऐसे A1 T1 A1 × T1 कितना आ गया, 4 × 2 - A2 × T2 ये कितना हो गया, 3 × 1 करो इसे, ये क्या हो गया 1, ये कितना आ गया 12 आ गया, 12 आ गया, इसे सॉल्व करो, ये क्या हो गया 8, 8 - 3, देखो कैलकुलेशन तुम्हें बढ़ानी पड़ेगी, ये कितना आ गया 5। अब देखो अब यहाँ पर ये मत करना कि 5 2 10 फिर 2 बचा 5 कर दिया, कुछ नहीं करना कभी भी ना, नीचे अगर 5 आता है ना, × 2 कर दो, × 2 करो, ये क्या आ गया 24 बाई 10, 10 हमें जहाँ पर भी मिल जाएगा, 10 हटा के हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसे पॉइंट लगा सकते हैं ना, 2.4। तो 2.4 आवर्स में जो इन दोनों की हाइट का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, 2:1। सिंपल था ना, बस ये थोड़ा सा देख लेना फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला पूरे कॉन्सेप्ट से आया, तो मैंने पहले भी बताया था कि फॉर्मूला कुछ नहीं है, फॉर्मूला एक कॉन्सेप्ट की आखिरी मेथड है, कि अगर हम पूरा ही सॉल्व करने से अच्छा लास्ट में एक जैसे T1 और T2 की वैल्यू डाल दें तो हमारे पास डायरेक्ट उसकी वैल्यू आ जा रही है, तो वही बात है ना। तो कॉन्सेप्ट थोड़ा लंबा पड़ेगा इसलिए मैं कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ, पर कभी ये पूछा जा सकता है, तो तब मैंने कहा कि एक बार बता देता हूँ, ठीक, तो समझ गए होगे, डायरेक्ट ये लगा दिया, 2.4 आवर्स इसका आंसर है, ठीक है, नोट कर लो। नमस्कार सभी को, हमने रेशियो पूरा कर लिया है, ठीक है, अब हमारा टॉपिक, स्टार्टिंग में मैंने क्या कहा था कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन अब बचा है, प्रोपोर्शन शुरू करते हैं, प्रोपोर्शन में कुछ ज़्यादा है नहीं, प्रोपोर्शन को भी अनुपात ही बोलते हैं वैसे तो, पता नहीं हिंदी उतना अच्छा नहीं मेरा, प्रोपोर्शन को भी अनुपात ही कहा जाता है, गूगल में सर्च मार रहा था तो अनुपात ही शो कर रहा था। तो प्रोपोर्शन में होता क्या है ना, 3 केसेस बनते हैं, केसेस छोड़ो, केसेस भी अभी छोड़ो, प्रोपोर्शन होता क्या है, प्रोपोर्शन जैसे कंसिडर करो कोई रेशियो है, दो कोई रेशियो हैं, दो रेशियो को कंपेरिजन अगर करोगे तो उसे कहते हैं प्रोपोर्शन। सपोज करो हमारे पास कोई 4 वेरिएबल है, जैसे 4 वेरिएबल है हमारे पास, लेट सपोज A B C और D, ये हमारे पास 4 कोई वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल मीन्स जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो प्रोपोर्शन अगर करेंगे तो देखो, अगर मैं कहूँ A:B, ये जो बीच में ये साइन लगा रहा हूँ ना, ये होता है प्रोपोर्शन, ये होता है प्रोपोर्शन, मतलब प्रोपोर्शन यूज क्यों होता है, प्रोपोर्शन इसलिए यूज होता है ताकि दो रेशियो को, ये देखो A:B है और C:D है, ठीक है, इन दोनों को कंपैरिजन करने के लिए हम
जो यूज़ करते हैं उसे कहते हैं प्रपोर्शन, प्रपोर्शन। ठीक है, प्रपोर्शन भी एक टाइप से रेशियो ही है, लेकिन दो रेशियो को या फिर दो से ज़्यादा भी होते होंगे तो दो रेशियो को कंपेयर करने के लिए जो टर्म यूज होता है वो होता है प्रपोर्शन। प्रपोर्शन भी होते हैं तीन टाइप के, ठीक। एक होता है प्रपोर्शन, चलो वो बाद में बताऊंगा, पहले देखो अब इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे करके किया जाता है इसे, ए अपॉन डी इक्वल टू बी अपॉन सी। जो जो प्रोपोर्शन को सॉल्व करके जो आता है वो ऐसे आता है, ये अपॉन में इसके और ये अपॉन में इसके, इसको कहते हैं प्रोपोर्शन, ठीक है ना। तो जो प्रोपोर्शन की वैल्यू आती है वो ऐसे आती है, अगर आपसे कहा जाए इनको कंपेयर करो, फाइंड द, अगर इसमें मान लो हमें कुछ वैल्यू दी हुई, ए बी सी की वैल्यू दी, फाइंड द डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी, डी कहा जाए तो सॉल्व कैसे करोगे, जो ये है इसका इसके साथ अपॉन में आएगा, ये इसके साथ अपॉन में आएगा, ठीक है ना। तो यहीं पर से आता है आपका फोर, फोर्थ प्रोपोर्शन। काम नहीं कर रही है, देखो ना तीन होते हैं, ये होता है फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, और फिर क्या आता है थर्ड प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन, और आता है कि मीन प्रोपोर्शन। तीनों अलग अलग हैं, एक दो मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बहुत बार, तो उसके फोर्थ प्रोपोर्शन मतलब जो हमारी लास्ट वैल्यू है ना ये होती है डी। अगर हमें डी निकालना है, देखो हमारे पास वैल्यू ये है फोर्थ प्रोपोर्शन में, जैसे कि शो हो रहा है कि फोर्थ प्रोपोर्शन का है, मतलब कि तीन के तीन वेरिएबल जो होंगे वो कि उसमें तीन अलग अलग वेरिएबल्स होंगे, तो उस केस में क्या होता है, ए रेशियो बी, नहीं सीधा ले लेते हैं ना इसको, ये चीज़ होती है सेम, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन टू सी रेशियो डी। तो इसका हमने अभी निकाला था कि ए का ये इसके अपॉन में आता है, ये इसके अपॉन में आता है, ठीक। तो इसे क्या करोगे, ए अपॉन डी हमें निकालना, क्या डी निकालना है, ठीक। तो ये बी अपॉन सी हो गया, तो यहाँ से अगर डी की वैल्यू निकाली जाए, डी क्या हो गया, ए सी अपॉन बी। तो ये जो है, ये जो टर्म है इसे कहते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक आया समझ में। अब देखो थर्ड प्रोपोर्शन देखते हैं, ठीक। थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन में क्या होता है, अब एक बार थर्ड प्रोपोर्शन देखते हैं, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शन में क्या होता है ना, जो ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी होता है, ये होता है, तो हमें यहाँ पर सी की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि थर्ड टर्म यही था ना, देखो ए बी तो टर्म है लेकिन थर्ड टर्म क्या है ये, तो थर्ड टर्म निकालना है, तो ये कैसे आएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए, ये आता है आपका थर्ड प्रोपोर्शन। देखो ना फोर्थ प्रोपोर्शन में हमने फोर्थ वाली वैल्यू निकाली, थर्ड प्रोपोर्शन में हमने थर्ड वाली वैल्यू निकाली, अब आएगा मीन, मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन में होगा क्या, हम उसके बीच वाली वैल्यू निकालेंगे। तो मीन प्रोपोर्शन में जो हमारा होता है ना, देखो सेम ये देख रहे हो ना ये हो रहा है, लेकिन मीन में क्या होता है, हम देखो अभी हमारे पास टर्म कितने, ए बी और सी है ना, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शन के लिए कहा तो थर्ड प्रोपोर्शन का हमने सी निकाल दिया, यहीं से अगर वो करो तो ये क्या हो गया, मीन प्रोपोर्शन, जो बीच की वैल्यू होती है उसे बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। तो एक बार ना सेम इसे भी सेम लिखते हैं, ये क्या हो गया बी अपॉन सी, तो ये क्या हो गया बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी बी हो गया प्लस माइनस रूट ऑफ ए सी। तो बी की वैल्यू क्या आ गई, रूट ऑफ ए सी, प्लस माइनस खाली रूट के लिए लिखा है, ये टर्म जो भी होगा वो पॉजिटिव में आता है, कोई नंबर पूछा जाए तो पॉजिटिव में ही होगा, ठीक। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आएंगे, न्यूमेरिकल्स में क्या होगा ना, आपको या तो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की किसी चीज़ की भी वैल्यू दी जाएगी, और आपसे कहा जाएगा कि थर्ड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालो या मीन प्रोपोर्शनल निकालो, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालो। अब फोर्थ प्रोपोर्शन के केस में क्या होगा, आपको इन तीनों, इन चारों में से ना तीन की वैल्यू दी होगी, ठीक है, तो उसकी वैल्यू आप निकालोगे, तो जो फोर्थ वाली की वैल्यू होगी वो इन तीनों की वैल्यू को डाल के आप निकाल सकते हो। अब देखते हैं थर्ड प्रोपोर्शन में, थर्ड प्रोपोर्शन में
थर्ड और मीन वाले में देखो ए बी सी की वैल्यू दी होगी। अगर आपसे कहा जाए कि मीन प्रोपोर्शन निकालो, मीन कोई दो वैल्यू आपको दी होंगी, तो यहाँ पर अंडरस्टूड कर लेना कि जो दो वैल्यू हैं वो डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूले में डाल देना, ठीक है। तो डायरेक्ट वहाँ से क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। और वैसे ही थर्ड प्रपोर्सन है, थर्ड प्रपोर्सन में भी दो वैल्यू आपको दी होंगी। देखो ना वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो ये नहीं बताएगा कि ए बी सी है। आपसे बोल दिया जाएगा कि टू और थ्री है, टू और थ्री है, आपसे कह दिया कि थर्ड प्रपोर्सन निकालो, तो थर्ड प्रपोर्सन डायरेक्ट कैसे निकालोगे। अब देखो पहली वैल्यू है, सेकेंड वैल्यू है, बी क्या था हमारे सेकेंड वैल्यू थी, तो ये थ्री का स्क्वायर 9/2, ये आ गया आपका थर्ड प्रपोर्सन। सेम केस यहाँ पर भी ले लेते हैं। देखो अब यहाँ पर टू और थ्री है, ठीक है, हमें क्या निकालना है, मीन प्रपोर्सन निकालना है। मीन हमेशा यही रहेगा, लेकिन दो वैल्यू दिए ना, कोई भी ले लो ए और सी, टू और थ्री ले लो ना, टू इंटू थ्री ये हो गया √6। समझ में आया। देखो आपको वैल्यू ऐसे नहीं देगा कि ए और बी ये हमारे पास वैल्यू हैं, आपको कोई भी वैल्यू दे देगा कि रैंडम में एक वैल्यू ये है, दो वैल्यू है। तो जो भी दो वैल्यू होंगी, अगर इस केस की बात की जाए ना, तो सेकंड वैल्यू होगी वो आपको बी लेनी ही पड़ेगी। रेस्पेक्टिवली वाला एक क्वेश्चन में वो दे देगा कि ए और बी में, मीन्स कि वो दो वैल्यू देगा आपको कि टू एंड थ्री रेस्पेक्टिवली फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन। तो थर्ड प्रपोर्शन के लिए ये वैल्यू को यहाँ पर रख दोगे डायरेक्ट, और ये टू को। ऐसा मत करना कि टू का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि पेपर में वो देता है कि द वेरिएबल्स आर 1 और 3 रेस्पेक्टिवली, तो एक के बाद एक, मतलब 1, 2, 3 ऐसे करके वो देता है, मेंशन करता है। तो जो बाद वाली वैल्यू है उसी को आप बी मानना। तो ये सॉल्व करा। इसी प्रकार क्या है, मीन प्रपोर्सन, मीन प्रपोर्सन में भी क्या है, दो वैल्यू देगा। यहाँ पर तो कोई आवश्यकता भी नहीं है कि बी क्या लें ये लें, दो वैल्यू यहाँ पर हमें चाहिए, वो दो वैल्यू कोई भी होंगी, इंटू कर देना उसे डायरेक्ट। इस केस में देख लेना जो सेकंड वैल्यू होगी उसी का स्क्वायर करना, तभी आपका थर्ड प्रोपोर्शन आएगा। और फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए आपको तीन वैल्यू दी होंगी डायरेक्ट, ये फॉर्मूला देख लेना। देखो ना फॉर्मूला भी नहीं है, ये अपॉन ये और ये अपॉन ये, इसे सॉल्व कर दो आपका हो जाएगा। हाँ तो रेशियो प्रोपोर्शन हमारा ख़त्म हो चुका है, उम्मीद करता हूँ कि आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करो, गंदा लगा डिसलाइक करो, पर कुछ तो करो, करना तो पड़ेगा ना, थोड़ा फीडबैक मिलना चाहिए ना। देखो अगर गलत पढ़ा रहा हूँ तो इम्प्रोवाइजेशन होगा वहाँ पर, ठीक, गलती सबसे होती है, मेरे से भी कुछ ना कुछ गलती हो रही होगी, मैं क्या पता अच्छा ना पढ़ा रहा हूँ, पर फीडबैक ज़रूरी है इंसान को। चाहे तो देखो ना, जो चीज़ गलत है ना वो गलत ही होती है, गलत चीज़ को अच्छा ना मत कहो, गलत चीज़ तो गलत कहोगे तभी उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट आएगा, ठीक है। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और यहाँ पर हमारा रेशियो प्रोपोर्शन ख़त्म हो चुका है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, छाप दो।